3:33 हो रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 275 सीटों पर आगे चलने की नहीं, खबर आ रही है पुष्कर सिंह धामी की, जो 6,951 वोटों से हार गए हैं खटीमा से, उत्तराखंड की खटीमा सीट पर हार गए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। और खबर है कि 6,000 वोटों से ज्यादा हारे हैं, 6,000 से ज्यादा वोटों से हार हुई है पुष्कर सिंह धामी की, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी जीती है, सीएम हार गए हैं। ऐसा कई मर्तबा हुआ है, लेकिन क्या ये आपको चौंकाता है? नहीं, इसी साल अब देखिए, पिछले साल अब ममता बनर्जी हारी थी, फिर वो धूमल हिमाचल प्रदेश में ही हारे थे, बीजेपी जीत गई थी, फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे वो। लेकिन इतिहास रचा, बीजेपी जीतती है और सीएम हार जाते हैं, क्यों? गजब का कॉन्ट्रडिक्शन है कई बार, क्योंकि जिस सीएम के फेस को लेकर के बीजेपी जीती है, हालांकि उसके फेस में मोदी का फेस भी शामिल है, मोदी हर जगह लड़े हैं एक तरह से, लेकिन मुझे लगता है अंदर के भीतर घात भी होते हैं जो कई बार चुनाव बड़े नेताओं को हरा देते हैं, हो सकता है। बहुत सारे सीएम की उम्मीद लगाए बैठे वहां पर चेहरे जिन्होंने हरा दिया, बीजेपी बहुत सारे चेहरे रहे जो आए और चले भी गए, और पर ये इन्होंने एक तरीके से जो जिस तरह से गिर रही थी बीजेपी वहाँ पर उसको थामा, युवा नेता सक्रिय दिखाई दिए, एक ऐसे नेता जो सबको बांधे रखा, सबको साथ लेकर चले, तो उसमें ये बड़ा थोड़ा आश्चर्य की बात है कि आप अपना ही चुनाव हार जाएं जबकि पार्टी को इतनी अच्छी जीत मिली। बिल्कुल ठीक है। और अब हमारे साथ बीजेपी के नेता जफर इस्लाम जुड़ गए। जफर इस्लाम साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद, 4 राज्यों में आप सरकार बनाने जा रहे हैं, मणिपुर में हालांकि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, अभी साफ नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि आप पुष्कर धामी हार गए हैं, 7,000 के करीब लगभग वोटों से वो हारे हैं, बीजेपी जीती है उत्तराखंड में, तो क्या पुष्कर धामी ही मुख्यमंत्री होंगे या फिर कोई और चेहरा? देखिए, ये फैसला तो, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बधाई दी उसके लिए, आपको भी बधाई हो, लेकिन ये फैसला सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ही ले सकता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन से जो जिम्मेदारी किसको देनी है, ये हमारे यहाँ जो टॉप लीडरशिप की जो कमेटी है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के से जानी जाती है, वही ऐसे फैसले लेते हैं। अब वो इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि वो हार चुके हैं, जो 6,000-7,000 वोटों से हार चुके हैं और डिक्लेयर हो गया है, तो अब अगर ऐसा है जैसा आप दिखा रहे हैं तो जाहिर है इसकी चिंता जो है हमारी लीडरशिप करेगी, दुख की बात है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, देखिए तो ये कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को हराया वहाँ की जनता ने नहीं है, बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं ने हरा दिया है, जिनका एम्बिशन था कि वो सीएम का चेहरा हो सकते हैं, भीतर घात हुआ है उनके साथ, क्योंकि उन्होंने तो पार्टी को संभाला था। नहीं देख, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता जो है इस तरह के, ये भारतीय जनता पार्टी है, समझना पड़ेगा आपको रूबिका जी, पर यहाँ डिसिप्लिन पार्टी पीछे से और आगे से कोई लड़ा। आप भी जानते हैं कि वैसी उनकी रगों में वो वाला सिस्टम नहीं बहता है जो बाकी राज्यों के कार्यकर्ताओं में होता होगा, वहाँ आप जानते हैं कि किस तरीके से दल बदल दिए जाते हैं, कैसे सरकार तोड़ दी जाती है, और ये इतिहास गवाह है। नहीं बेटे, मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई सच्चाई नहीं कि कोई एक डिसरप्टिव फोर्स हमारी पार्टी में था जो उनको हराने की कोशिश कर रहा था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये जनता का फैसला है सर आंखों पर, जाहिर है पार्टी ने जनता का धन्यवाद देना चाहिए, उसने पार्टी को जिताया, पार्टी को धन्यवाद देना दिया, बड़े मैंडेट दिया है। लेकिन जिस और अब एक इंडिविजुअल इस्लाम साहब पुष्कर धामी हारे हैं, कहीं ना कहीं सवाल जरूर गंभीर खड़ा होता है कि नेता ही हार गया, पार्टी जरूर जीती है, वो तो ब्रांड मोदी है जिनके कंधों पर चढ़कर आप कहिए कि पूरी बीजेपी जो है उसका चेहरा जो है रुकने को तैयार नहीं है। मेरे पास समय इतना ही है जफर इस्लाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, और लड्डू बांटिए, लड्डू खिलाइए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।